हम बनाने जा रहे हैं आलू की भंडारे वाली सब्जी, जो बिना अदरक लहसुन के बनाएंगे, टमाटर की, जो खाने में इतनी मज़े की होती है फ्रेंड्स, बहुत मज़े की है, और जल्दी वाली बनाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल से आप सब अच्छे ही रहो। तो ये ले लेते हैं मैंने दो आलू, इसे मैंने बॉईल कर लेते हैं, और ये मोटा मोटा मैंने हाथ से तोड़ लिए थे। अगर आपके पास मैशर हो तो मैशर से भी कुचल सकते हैं अपने आलू को। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये जाएंगे कुछ मसाले, तो ये देख लें फ्रेंड्स, मसालों में मैंने लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, कश्मीरी मिर्ची ली है हमने आधा चम्मच, लाल मिर्ची कुटी हुई ये भी आधा चम्मच है, और ये थोड़ा सा जाएगा इसमें साबुत धनिया। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो इसकी स्किप कर दें आप। ये लिया है ज़ीरा तड़का लगाने के लिए, और दो चम्मच लिया है धनिया, आधा चम्मच लिया है हल्दी, हींग ज़रूरी है, ये ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं खाते हैं तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। सरसों के दो बड़े चम्मच मैंने चढ़ा दिए, गरम पहले मैंने कर लिया था, और इसमें हम डाल देंगे अपना ज़ीरा, और इसमें जाएगा टमाटर। तो फ्रेंड अच्छे से ज़ीरे को हमें क्रैक होने देना है। तो ये देख लें फ्रेंड, टमाटर मैंने चार लिए थे, लंबे में कट कर लिए मैंने। अब मैं डाल दूँगी अपने टमाटर, टमाटर को ना सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देख लें मैंने टमाटर अपने डाल दिए, इसमें डाल देंगे हींग डाल देंगे। ये देखिए थोड़ी सी हींग का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए थे वो भी ऐड कर देंगे। ये बन जाती है फ्रेंड्स ये वाली सब्ज़ी। इसे जब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए अब होने भी लगे हमारे टमाटर सॉफ्ट, ये देख लें आप, ये देखिए हो रहे हैं। टमाटर को अगर आप मोटा मोटा काट करके डालेंगे ना तो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स, बारीक करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। टमाटर को पीस भी सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। या बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं आप। तो इसे भूनने दे, तो इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया, और इसमें डाल देंगे आलू, तो बस अपने आलू को अच्छे से इसमें ही थोड़ा सा मसाले में पका लेंगे। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है सब्ज़ी का, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची डाली थी। और फ्रेंड्स अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची नहीं है तो इसे स्किप कर दें, है तो डाल लीजिए। तो बस इसमें डालेंगे खटास के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल लें, अगर चाट मसाला लेंगे तो आमचूर पाउडर डाल लें, दोनों में से एक चीज़ डालिएगा ज़रूर। पर ऐसा नहीं है अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप नहीं बनाओ, जो चीज़ है आप बना सकते हो उसके बगैर भी, अगर आपका मन कर रहा है तो। ये देखिए आमचूर पाउडर, डालेंगे हरी मिर्ची, इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है भंडारे वाली थोड़ी पतली होती है फ्रेंड्स। ये देखें तो एक गिलास पानी डाल दिया मैंने ये वाला, ये जो धनिया डालते हैं ना धनिया का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी में। अब ना थोड़ा सा हींग अब डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपकी सब्ज़ी में। थोड़ा सा मसाले में डालेंगे, थोड़ा सा वैसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसी होती है ना भंडारे वाली सब्ज़ी जो होती है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी पहले दिल्ली में, वहाँ जब कभी भंडारा होता था ना तो हम भी खाते थे भंडारे आलू की सब्ज़ी, आलू पूरी मिलती थी उसके साथ, बड़ी मज़े की लगती थी, और ऐसी ही होती थी फ्रेंड्स। उसमें टमाटर भी दिखते थे, टमाटर के छिलके, पर वो लोग जो होते हैं ना आलू जो है ना उबाल के मतलब छिलके समेत ही उबालते हैं फ्रेंड्स, हम तो छिलके उतार देते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है फ्रेंड, और उसके साथ होती है पूरी मज़ेदार सी, वो भी अच्छी लगती है। अब इसे एक मिनट के लिए पका लेते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू हमारा पका हुआ था, मसाला हमारा भुना हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी आलू की मज़ेदार चटपटी स्पाइसी खट्टी भंडारे वाली आलू पूरी के साथ खाने वाली आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ,
तो चलिए अब इसके साथ बना लेंगे हम जल्दी वाली पूरी जो इसके साथ खाई जाती है। तो चलिए पूरी की तैयारी शुरू करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड अब हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये देखें, ये देखें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी हमारी सब्जी में। तो ये देखें, दो मिनट और पका लेंगे अपनी सब्जी आलू को। जो खुशबू जो इसमें से निकल रही है ना, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और फ्रेंड्स मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो चुका था, यहाँ बारिश भी हो रही थी, डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने ले लिया आटा, आटे की पूरी बनती है भंडारे में। अब इसमें डाल देंगे नमक, डाल देंगे अजवाइन, अजवाइन हाथ से इसके डाल देंगे, ये देखें, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम सरसों का तेल। इससे पूरी हमारी सॉफ्ट भी बनती हैं और फूली फूली भी रहती हैं। बस चाय वाला एक चम्मच, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसका हम डो लगा लेंगे। जैसा नॉर्मल आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, उससे थोड़ा सा टाइट गूंथेंगे फ्रेंड्स। ये देखें, बस पानी से इसका आटा गूंथ लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा रोटी से थोड़ा सा टाइट है ये आटा, और इस टाइम हमें ना बिल्कुल पानी नहीं लगाना, ये बिना पानी के आटा आपका बिल्कुल सही गूंज जाएगा। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, मेरा बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल तेल नहीं लगाया। इससे बस थोड़ा सा गूंध लेंगे आटे को, देखें आटा, ये देखें, इसको 5 मिनट ढक के रख देंगे। फिर 10 मिनट हो गए, देखें इसके ऊपर ये चिपके नहीं, अब इसके पेड़ काट लेंगे। पेड़ आप जितने खाते हो उतने खा लेंगे। तेल मैंने रख दिया था फ्रेंड चढ़ा के। बड़ी बेल ली है चुका है, तो देखिए ये ले लिया मेरे पास रखा था, तो ये हमने इसमें डालेंगे अब आलू की सब्जी। फ्रेंड्स मेरी मम्मी के यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारी मजेदार सी आलू की सब्जी, वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी, आई लाइक इट, मेरी फेवरेट सब्जी है। ये देखें सब्जी, ये ले, और ये लीजिए भाई गर्मा गर्म पूरी हमारी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप हमारी मज़ेदार सी पूरी आलू पूरी सब्जी, ये लीजिए आप भी ज्वाइन करिए। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो बताया करें, अच्छी नहीं लगती तो ये बताया करें। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।